वेलकम टू माय चैनल। और आज हम न्यूमेरिकल ऑन इक्वेशन ऑफ ए लाइन इन थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री को सोल्व करेंगे। अब जैसे लास्ट पार्ट में इस न्यूमेरिकल की बात कर रही थी और इसके सेकंड मेथड की, ठीक है ना, कि मतलब तीन पॉइंट जैसे यहाँ पर ए वेक्टर मान लो, ठीक है ना, यहाँ पर बी वेक्टर और यहाँ पर सी वेक्टर, तो पॉइंट आ जाएंगे कौन कौन से, ए वेक्टर से ए पॉइंट क्या होगा, कोफिशियंट लिखने यहाँ पर 5, यहाँ पर 0 के कैप भी लिखा हुआ, ये बात हमें बताओ, ठीक है ना, 0 × 0, ठीक है, मतलब यहाँ पर 0 और 5, ठीक है। इसके बाद बी पॉइंट बी वेक्टर से लिख लिया, मतलब कोफिशियंट 2, 1 और 3। इसके बाद सी पॉइंट, यहाँ पर कोफिशियंट क्या, -4, 3 और -1, ठीक है। अब तीन पॉइंट है, ठीक है, और कोलिनियर शो करने हैं, ठीक है ना, कोलिनियर का मतलब क्या था, सेम लाइन, और पैरेलल लाइन का भी केस हो सकता है, ठीक है ना, सेम लाइन या फिर पैरेलल लाइन, मतलब पैरेलल वेक्टर, ठीक है ना। लेकिन अब बात कर लेते हैं कि इक्वेशन ऑफ लाइन से किस तरीके से हम कोलिनियर प्रूव कर सकते हैं, ठीक है ना। इक्वेशन कोई भी न्यूमेरिकल हो, उसके कई तरीके हो सकते हैं, ठीक है ना, मतलब कोई भी कंसेप्ट अप्लाई कर लो, सीधी सी बात है, ठीक है ना, सेम रिजल्ट आएगा, ठीक है। तो अब जैसे सॉल्यूशन की बात करें, ठीक है ना, अब जैसे हमने इक्वेशन ऑफ लाइन का कंसेप्ट अप्लाई करना, मतलब इक्वेशन लिखनी पड़ेगी, और इक्वेशन के लिए मिनिमम कंडीशन बताओ, इक्वेशन ऑफ ए लाइन लिखने के लिए मिनिमम कंडीशन क्या क्या थी, कम से कम एक तो पासिंग पॉइंट होना चाहिए, ठीक है, और साथ के साथ डायरेक्शन आ जाए, साथ के साथ डायरेक्शन आ जाए, सही बात है ना। लेकिन यहां पर कोई पैरेलल लाइन थोड़ी ना दी हुई है, ये बात तो सिर्फ समझने के लिए पैरेलल लाइन, लेकिन कोलिनियर का मतलब ये बात तो बिल्कुल सही, मतलब पैरेलल लाइन का यूज कर सकते हो, ठीक है ना। तो इस बात का मतलब पता है क्या हुआ, इस बात का मतलब है जैसे स्पेस के अंदर दो लाइन अगर पैरेलल का केस लेके चलो, डायरेक्शन के लिए काम की बात क्या है कि डायरेक्शन आएगी कहां से, दो वर्डों से आएगी, या तो पैरेलल हो किसी गिवन वेक्टर के हो, ये बात है काम की यहां पर, वेक्टर, और वेक्टर का नाम डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट, डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट, डायरेक्टेड का मतलब डायरेक्शन, और लाइन सेगमेंट मतलब लाइन का छोटा हिस्सा, मतलब दो पॉइंट होने चाहिए, ये वही बात तो है ना, यहां पर कम से कम दो पॉइंट हो, सीधी सी बात है। तो यहां पर डायरेक्शन डायरेक्ट नहीं आएगी, मतलब दो पॉइंट हो, डिफरेंस तो होगा ही होगा, सीधी सी बात है, कहने का ये मतलब है। अब वो चोइस है एक लाइन पर लेके चल रहे हो तीनों पॉइंटों को, ये ज्योमेट्री सिर्फ समझने के लिए, बस पता होना चाहिए हमें कि सेम लाइन का केस हो सकता है पैरेलल लाइन का, ठीक है। तो अब जैसे अगर यहां पर पासिंग पॉइंट और टू पासिंग पॉइंट वाला केस अप्लाई कर ले, ठीक है ना, किस तरीके से, जैसे वेक्टर फॉर्म, ठीक है ना, जब दो पासिंग पॉइंट हो, ए और बी मान लो, कोई भी दो मान लो, कोई कंडीशन नहीं यहां पर, तो जैसे r वेक्टर किसके बराबर था, रिजल्ट a वेक्टर प्लस लैम्डा इनटू b माइनस a, सही बात है, और b माइनस a आया था डायरेक्शन के काम, मतलब a और b जब दो पॉइंट थे, a और b दो पॉइंट थे, यहां पर उनकी वैल्यू दी हुई है, काम की बात है यहां पर, a और b, ये बात पता होनी चाहिए कि यहां पर गिवन वेक्टर का मतलब है क्या, डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट वेक्टर का ही दूसरा नाम, या फिर कहो कि एक्चुअल में डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट होता उसमें ये एक कंडीशन कम की हुई है लाइन वाली, और लाइन का ये मतलब था, सही बात है। और या फिर ये कहो कि दो पॉइंट तो चाहिए, वही तो लिखा हो, दो पॉइंटों का डिफरेंस, या फिर वेक्टरों का डिफरेंस, क्योंकि वेक्टर फॉर्म में, ये बात पता होनी चाहिए यहां पर, ठीक है ना। तो अब सीधी सी बात है, यहां पर वेक्टर फॉर्म तो यूज होगी, लेकिन काम की बात क्या, टू पॉइंट फॉर्म यूज होगी, टू पॉइंट फॉर्म यूज क्यों होगी, सिर्फ और सिर्फ इस वजह से, ठीक है ना, यहां पर किसी वेक्टर के पैरेलल की नहीं बात हो रही, किसी पॉइंट की, पॉइंट तो ही बात हो रही है, या फिर कहो कि दो पॉइंट, और दो पॉइंट का नाम वेक्टर हो जाएगा अपने आप, मतलब अगर उसमें डायरेक्शन भी ऐड कर दो तो, सीधी सी बात है, तब होगा वेक्टर, सही बात है, इसलिए दो वेक्टर का डिफरेंस है। तो बस यहां पर चॉइस है, कोई भी दो पॉइंट लेके चलो, ठीक है ना, कोई भी मतलब ए और बी मानना चाहते हो, चॉइस है यहां पर, ऐसी कोई कंडीशन नहीं है, ठीक है ना। तो अब जैसे मान लो कि आर वेक्टर, ठीक है, ए वेक्टर, जैसे ए वेक्टर पॉइंट से वेक्टर लिखना, या फिर वेक्टर से जैसे पॉइंट लिखा था, ये रहा ए वेक्टर, ठीक है ना, किसके बराबर है, 5i कैप + 5k कैप + λ, सही बात है, और b माइनस ए, बी है और ए है, दोनों दोनों को माइनस कर दो, या फिर x वालों में से x वाले, वही बात रहेगी, 2 − 5 − 3i कैप, ठीक है ना, वेक्टर में तो b माइनस ए दो वेक्टर वाला डिफरेंस भी एक वेक्टर आएगा, ठीक है, और लैम्डा स्केलर, स्केलर इंटू वेक्टर एक वेक्टर क्वांटिटी आएगी, और फिर दो वेक्टरों का सम एक वेक्टर आएगा, इसलिए दोनों साइड वेक्टर, और इसलिए नाम है इसका वेक्टर फॉर्म, ठीक है, -3i कैप। अब इसमें से बी में से ए को माइनस करना, तो 1 − 0 1 और j कैप, और यहां पर 3 − 5 − 2 k कैप, कुछ इस तरीके से बी माइनस ए लिख दिया, सही बात है ना। तो अब जैसे ये वेक्टर फॉर्म आ गई है किसकी, लाइन की,
सही बात है ना, वेक्टर फॉर्म मतलब इक्वेशन आ गई या लाइन की, सही बात है। अब कोलिनियर चेक करने है, मतलब इस लाइन पर इस बात का ये मतलब हुआ कि ए और बी तो है, इस बात इसका ये मीनिंग है, सही बात है ना। बी माइनस ए करने का तो ये मतलब है कि ए और बी इसी लाइन पर है, सही बात है ठीक। या फिर ये वो लाइन ये भी हो सकती है, या फिर कोई तीसरी हो सकती है, हमें थोड़े ना पता है कि किसके पैरेलल, या फिर कोलिनियर का मतलब सेम लाइन या फिर पैरेलल लाइन का भी केस पॉसिबल है, ठीक है ना। या फिर एक लाइन लेके समझ लो बात सेम रहेगी, ठीक है ना। तो अब जैसे इक्वेशन लिख ली, अब भी चेक क्या करना हमने कोलिनियर, तो चेक करने के लिए ठीक है ना क्या करना है, आर वेक्टर ठीक है ना, यहां पर सी वेक्टर भी दिया हुआ है, सी वेक्टर या फिर कोकी सी लाइन पर सी पॉइंट दिया हुआ है। अब एक बात है यहां पर काम की, इस तरीके से याद रखो इस बात को कि किसी लाइन पर ठीक है ना, किसी भी लाइन पर, लाइन पर लेकिन लाइन भी नहीं एक्चुअल में करो के लिए ठीक है ना, क्योंकि करो होती है एक्चुअल में चीज, करो की कोई कंडीशन तब हमें लाइन मिलती है, और लाइन का मतलब स्ट्रेट लाइन से ठीक है ना। तो किसी भी लाइन पर ठीक है, पॉइंट होने का मतलब क्या होता है, पॉइंट होने का मतलब क्या होता है, बस ये पता होना चाहिए। पॉइंट होने का मतलब है उसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, उसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा ठीक है ना। ये बात है काम की, किस तरीके से, कोई भी एग्जाम्पल ले लो, कोई भी एग्जाम्पल ले लो किस तरीके से। मान लो इक्वेशन ये है एक्स प्लस वाई जीरो, किसी लाइन की इक्वेशन ये है ठीक है, और इस पर पॉइंट निकालने का तरीका जैसे एग्जाम्पल के लिए एक्स की वैल्यू वन पुट कर दी, तो वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहां पर पुट करो ठीक है ना, तो y की वैल्यू कितनी आएगी, मतलब इस इक्वेशन में x की वैल्यू 1 पुट कर दो तो 1 प्लस वाई जीरो के बराबर, तो y आया माइनस 1, तो पॉइंट क्या बन जाएगा, पॉइंट बनेगा x को मा वाई से, सही बात है ना, मतलब पॉइंट 1 माइनस 1। और एक और बात, यहां पर y की वैल्यू आई कहां से, इस इक्वेशन में पुट करने से, तो मतलब ये पॉइंट पुट करने का मतलब है क्या, उसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। सेम बात यहां पर, किसी भी लाइन पर या फिर कर्व पर पॉइंट होने का मतलब है उसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। इसी तरीके से जब हम इंटरसेक्शन ऑफ पॉइंट पढ़ते हैं ना, जैसे प्लस वन क्लास में इंटरसेक्शन ऑफ पॉइंट मतलब इंटरसेक्ट का मतलब कट करना, कम से कम दो लाइन या फिर दो करो को इस तरीके से, तो जैसे ये पॉइंट मान लो पी है, कोई भी नाम रख लो समझने के लिए ठीक है ना, तो इस पॉइंट की पता है खास बात क्या है, जितनी भी लाइनों को ये कट करेगा ना, इन सभी को, जितनी भी करो को एक्चुअल में करो को ठीक है ना, जितनी भी करो को कट करेगा सभी को ठीक है ना, उनकी सभी की इक्वेशन को सेटिस्फाई भी करेगा। ये इस पी पॉइंट की खास बात, हो सकता है तीन हो चार हो, सभी की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, क्यों, क्योंकि इस लाइन पर भी ये पॉइंट है, इंटरसेक्शन मतलब कट कर रहा, मतलब कॉमन पॉइंट है, कॉमन पॉइंट है, सीधी सी बात है, इस तरीके से भी कह सकते हो समझने के लिए, और इसी वजह से सभी की इक्वेशन को सेटिस्फाई भी करेगा। इस तरीके का एग्जांपल लेके समझ सकते हो ठीक है ना। तो सेम बात यहां पर अप्लाई होगी फिर तो, कि जो ये सी पॉइंट कोलिनियर शो करना हमने, मतलब होगा मान लो कि कोलिनियर है ये चेक करना है, सीधी बात है, अगर आया तो ठीक है क्योंकि कोलिनियर कह देंगे, लेकिन यहां पर शो करना है इस तरीके से कह सकते हो ठीक है ना। तो सी पॉइंट इस पर, और किसी लाइन पर पॉइंट होने मतलब उसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, सही बात है। और आर वेक्टर बना था याद हो तो पी पॉइंट से एक्स वाई जेड, और यहां पर उस पी पॉइंट की जगह तीसरा पॉइंट है, पी पॉइंट की जगह तीसरा पॉइंट है, सही बात है, फायदा उठा लो इस बात का। तो आर वेक्टर लिखेंगे सी पॉइंट से, या फिर जैसे सी वेक्टर पहले ही दिया हुआ है तो यहां पर पुट कर दो, माइनस फोर आई ठीक है ना, प्लस थ्री जे माइनस के ठीक है, किसके बराबर है, ये रिजल्ट है जी, फाइव आई प्लस फाइव के ठीक है ना, और यहां पर प्लस लेमडा माइनस थ्री आई कैप प्लस जे कैप माइनस टू के कैप, कुछ इस तरीके से ठीक है ना। तो अब इसके बाद दो वेक्टर इक्वल है, लेफ्ट में वेक्टर है राइट में भी वेक्टर इक्वल है, और दो वेक्टर इक्वल कब होंगे, जब आई कैप के कोफिशियंट बराबर हो। यहां पर अब कोफिशियंट कंपेयर करेंगे, मतलब आई कैप का कोफिशियंट लेफ्ट हैंड साइड है माइनस फोर, और राइट हैंड साइड में आई कैप का कोफिशियंट प्लस का फाइव है ठीक है, साथ के साथ यहां पर भी कोफिशियंट कितना है, माइनस थ्री लैम्डा, माइनस थ्री लेमडा, तो लेमडा की वैल्यू निकाल लो फिर, तो कितनी आ जाएगी लेमडा वैल्यू, जैसे यहां पर प्लस का फाइव ये लेफ्ट हैंड साइड जाएगा, तो माइनस फोर माइनस फाइव माइनस नाइन इज इक्वल टू माइनस थ्री लेमडा, कैलकुलेशन है ठीक है ना, माइनस से माइनस कैंसिल, और नाइन बाई थ्री लेमडा के इक्वल हो जाएगा, मतलब थ्री के लेमडा वैल्यू आएगी थ्री। इसी तरीके से एक बार यहां पर जे कैप के कोफिशियंट कंपेयर कर लेना, तो यहां पर थ्री है ठीक है ना, और यहां पर जे कैप का कोफिशियंट वन इंटू लेमडा, तो यहां से लैम्डा वैल्यू थ्री आई। इसी तरीके से के कैप के कोफिशियंटों को कंपेयर करोगे, यहां पर माइनस वन है, और राइट हैंड साइड में के कैप का कोफिशियंट प्लस का फाइव, यहां पर
जो डायरेक्ट लैम्डा लिख दिया ना यहां पर जीरो था जे कैप इस वजह से, ठीक है, और यहां पर प्लस का फाइव, ठीक है, और यहां पर माइनस का टू लैम्डा। कैलकुलेशन है कहने का ये मतलब है, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। और यहां से जब सोल्व करोगे माइनस वन ये यहां पर प्लस का फाइव, लेफ्ट हैंड साइड जाएगा माइनस सिक्स, मतलब माइनस सिक्स बराबर माइनस टू लैम्डा, माइनस से माइनस कैंसिल और सिक्स बाई टू थ्री, तो लैम्डा की वैल्यू फिर से थ्री आई, तीनों केसों से लैम्डा की वैल्यू थ्री आई, बस वही चीज चेक करनी थी, ठीक है ना। तो इस तरीके से लैम्डा की वैल्यू बराबर आई, मतलब ये भी कह सकते हो कि जो इक्वेशन है ना कंसिस्टेंट है, जो इक्वेशन है कंसिस्टेंट है, मतलब इक्वेशन का मतलब ये रही कुछ इस तरीके, मतलब तीनों रिजल्ट बराबर आ रहा है, ठीक है ना, इस तरीके से कह सकते हो। कंसिस्टेंट का मतलब होता है कि किसी पर्टिकुलर वैल्यू के लिए, कंसिस्टेंट का मतलब क्या होता है, किसी पर्टिकुलर वैल्यू के लिए रिजल्ट बराबर आए, या फिर कंसिस्टेंट का मतलब इस तरीके से होता है हिंदी में तो संगत, ठीक है ना, मतलब रिजल्ट बराबर हो तीनों जगह से इस तरीके से। और जो लास्ट पार्ट में इसका जो पहला मेथड था इस न्यूमेरिकल का, और वहां पर मल्टीपल मतलब लैम्डा की वैल्यू कुछ ना कुछ तो होगी, लेकिन यहां से कितनी है वो थ्री है, ये बात भी पता चल गई। मतलब लैम्डा निकालना हो तो कहां से निकल जाएगा, इक्वेशन ऑफ लाइन से, सीधी सी बात है, ठीक है ना। और क्यों निकला इक्वेशन ऑफ लाइन से लैम्डा, अब इसकी बात कर लेते हैं। जैसे जब टू पॉइंट फॉर्म को पढ़ रहे थे ना हम, टू पॉइंट फॉर्म, वहां से लैम्डा वैल्यू थोड़ी ना आएगी, मतलब आर वेक्टर निकलेगा वन पॉइंट फॉर्म से या फिर टू पॉइंट फॉर्म से, मतलब पी पॉइंट निकले, आर वेक्टर का मतलब पी पॉइंट निकलेगा, कोई पॉइंट निकलेगा, सही बात है, और पॉइंट ही दिया हो तो फिर लैम्डा निकलेगा, सीधी सी बात, वही बात यहां पर है, ठीक है ना। तो इस तरीके से कैलकुलेशन है, और चॉइस है यहां पर, कोई जरूरी नहीं कि b माइनस ए करो, सही बात है, a माइनस बी करोगे बात सेम रहेगी, लैम्डा वैल्यू फिर प्लस की जगह माइनस की आ जाएगी, माइनस थ्री, या फिर कोई भी दो a और b जरूरी नहीं है, b और c का पेयर ले सकते हो, a और c का पेयर ले सकते हो, और तीसरे के बराबर रख देना, ठीक है। और रिजल्ट अगर कंसिस्टेंट आ जाए, मतलब तीनों जगह से अगर लैम्डा की वैल्यू अगर बराबर आ जाए, तो सीधी सी बात है कोलिनियर है। इस तरीके से इक्वेशन ऑफ ए लाइन के कंसेप्ट से इस तरीके से न्यूमेरिकल सोल्व करते हैं कोलिनियर के, ठीक है ना। या फिर यहां पर इस न्यूमेरिकल में कहीं पर भी नहीं दिया कि इक्वेशन ऑफ ए लाइन का कंसेप्ट यूज करना, मान लो कभी दिया हो कि यूजिंग इक्वेशन ऑफ ए लाइन का कंसेप्ट, ठीक है ना, इस तरीके से, ठीक है। तो बस फिर इस तरीके से अप्लाई करेंगे रिजल्ट, ठीक है, और इसके बाद कैलकुलेशन, ठीक है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए थैंक यू।